News 18, India. मोदीजी ने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच. आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती. विनायक वेळेला आम्ही युतीचा प्रचार केला होता, आमचे विनायक राऊत आणि सगळे इथून ते निवडून आले म्हणून तुम्ही तिकडे पंतप्रधान बसलात, पण नंतर तुम्ही आम्हाला गुंतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के ये शब्द उद्धव ठाकरे के हैं. ठीक उसी तर्ज पर जैसे कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तो नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया था, क्या उद्धव ठाकरे भी नीतीश की राह पर निकल पड़े हैं? ऐसा हुआ तो मतलब ये कि उद्धव ठाकरे फिर से एनडीए का दामन थाम सकते हैं. ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में ना तो महाआघाड़ी बचेगी, ना एनडीए बचेगा और ना ही यूपीए. ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र की सियासत में मोदी के सीटों की संख्या भी बदल सकती है. ऐसा हुआ तो एनडीए गठबंधन पर ये आखिरी प्रहार होगा, जिसके बाद एनडीए का क्या होगा ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए रिसर्च और विश्लेषण का विषय होगा. लेकिन अभी उद्धव ठाकरे ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है. एनडीए के दरवाजे उद्धव ठाकरे के लिए खोलेंगे भी या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है. हम किसी के दुश्मन नहीं है, ये देश की राजनीति है. हम लोकतंत्र बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं. प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है. उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है उससे कयास के बाजार गर्म हैं. उद्धव अगर एक बार फिर से एनडीए में शामिल होते हैं तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस होगा. जिस तरह से बिहार में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ सालों से साथ चल रही है उसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना का बीजेपी से नेचुरल अलायंस रहा है. शिवसेना और बीजेपी के बीच की ये दरार बहुत चौड़ी है. एकनाथ शिंदे के पार्टी तोड़ने के बाद दरार खाई में बदल गई है. लेकिन सियासत में संभावना कभी खत्म नहीं होती. कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से खफा है. संजय राउत का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जीरो सांसदों वाली पार्टी हो गई है. मैंने इतना ही कहा था कि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है, आज नहीं है एक भी सांसद. हमारे पास 18 थे, उसमें से कुछ चले गए, 6 बाकी हैं. संजय राउत ने कांग्रेस पर तंज कसा तो जवाब कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने दिया. कहा कि जिस पार्टी को छोड़कर सभी चले गए हैं पता नहीं कितने दिन बचे हैं और कितने दिन बचे रहेंगे. कांग्रेस और शिवसेना के बीच बयानों के भाव महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है इसका सूचक है. महाराष्ट्र में इस वक्त लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो बताती है कि शिवसेना और बीजेपी का मिलन कांग्रेस को धूल चटा सकता है. लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट चुकी है. महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों का गणित अभी इस तरह का है. महाराष्ट्र में भी टूटेगा इंडी गठबंधन. बीजेपी 23 सीट, शिवसेना 18, जिसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट दोनों शामिल है. एनसीपी 4 सीट, AIMIM 1 सीट, निर्दलीय 1. आंकड़े बता रहे हैं कि जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी तो रिजल्ट कमाल के आते थे. अगर फिर से उद्धव ठाकरे साथ आते हैं तो रिजल्ट क्या होगा कहना मुश्किल है. लेकिन इससे जो होगा वो ये कि इंडी की लुटिया पूरी तरह से डूब जाएगी. जून 2023 में इंडी की पहली बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग की. ममता बनर्जी सिर्फ 2 सीटें बहरामपुर और मालदा देने के लिए तैयार थी. जाहिर है सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ी और ममता दीदी ने एकला चलो की राह पकड़ ली. बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई. सारा भारत 300 सीट लड़े. आज तुम्हारे एत अहंकार एत अलंकार. আমি নাই বা কিছু চাইলাম তাও আমি বলেছিলাম 2 সিট তোমাদের দেব, তোমাদের জিতিয়েও দেব. বললো হবে না. আমি বললাম কটা চাই, 42টা? আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও. রিজেক্টেড. পশ্চিম বঙ্গাল মে দিদি কা একলা চলো. पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं. इस वक्त डीएमसी के 22 सांसद हैं, बीजेपी के 18 सांसद हैं और कांग्रेस के सिर्फ 2 सांसद हैं.
ममता बनर्जी के विपक्षी गठबंधन छोड़ने के बाद मामला बिहार पहुंचा, जहां नीतीश कुमार इस गठबंधन को बनाने वालों में शामिल थे, लेकिन एनडीए में चले गए। आप पूछ सकते हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन अभी तो सामने चुनाव है और नीतीश कुमार जैसे परिपक्व नेता जल्दी में फैसला नहीं करते। बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को बंपर सीटें मिलती रही हैं। इस वक्त बिहार के 40 सीटों का आंकड़ा देखें। नीतीश ने चलाई इंडी पर कुल्हाड़ी, तो बीजेपी के पास 17 सीटें हैं, जेडीयू के पास 16 सीटें हैं, एलजेपी के पास 6 सीटें हैं जो एनडीए की सहयोगी पार्टी है, और कांग्रेस का हाल बिहार में भी खस्ता है, सिर्फ एक सीट। उद्धव ठाकरे महागाड़ी में है, महागाड़ी में इस समय कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी है। एनसीपी में फूट के बाद एनसीपी में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, वही हालात शिवसेना के हैं। शिवसेना में फूट के बाद शिवसेना के पास भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे एनडीए में शामिल होते हैं तो उन्हें नीतीश कुमार की तरह घटी हुई दरों में आना होगा। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे एनडीए की दर में शामिल होंगे या नहीं। इंडी गठबंधन अपने निर्माण के साथ ही विध्वंस की स्क्रिप्ट भी लिखता रहा है। 28 दलों के इस गठजोड़ से जितनी तेजी से मोदी के विकल्प की उम्मीदें जागी थी, उससे ज्यादा तेजी से उन उम्मीदों का इंडी के नेताओं ने ही गला घोट दिया। बाकी काम करप्शन के आरोप से घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया। झारखंड में इंडी हेमंत सोरेन के भरोसे था, लेकिन अब वो जेल में है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस 14 सीटों वाले झारखंड में 9 सीटें मांग रही थी, लेकिन अब झारखंड में खेल गड़बड़ हो चुका है। जेल में सोरेन, इंडी को कौन बचाएगा? झारखंड में लोकसभा सीटों पर 2019 की जीत बताती है कि बीजेपी के पास 11 सीटें हैं, कांग्रेस के पास एक सीट है, जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के पास एक सीट है, एजेएसयू के पास एक सीट है। अब जरा खेला देखिए, पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें, बिहार की 40 लोकसभा सीटें, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें और महाराष्ट्र की 48 सीटें, चार राज्यों में कुल सीटें हुई 144। तो हिसाब ये बनता है कि महाराष्ट्र को छोड़कर तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में एनडीए इंडी को बड़ा वाला झटका दे चुका है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एनडी छोड़ते हैं तो इसमें और 48 सीटें शामिल कर लीजिए। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी, एनसीपी के अजीत पवार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे की मिलीजुली सरकार है। अगर एनडीए उद्धव ठाकरे के लिए एक बार फिर से बंद दरवाजे खोलती है तो उन्हें राज्य में सरकार के समीकरण को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के एनडीए में आने से एकनाथ शिंदे का नाराज होना बहुत स्वाभाविक है। अब सवाल है कि एक एक करते सभी दल एनडीए का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों टूट रहा एनडीए गठबंधन? क्यों नहीं बन पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा? गठबंधन में 50 दरारें कैसे आ गईं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि एनडीए गठबंधन क्या चुनाव के पहले ही दम तोड़ देगा? ममता दीदी, सुशासन बाबू और अब क्या उद्धव ठाकरे? एनडीए के पांव तले जमीन खिसकती जा रही है। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा की समाप्ति के साथ ही गठबंधन का द एंड हो जाएगा। हालांकि कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एनडीए का भविष्य पूरा अंधकारमय दिख रहा है।